एमपी के कर्मचारियों का डीए 14% बढ़ेगा, 3% इंक्रीमेंट लगेगा, 8% बढ़ेगा संविदा कर्मियों का वेतन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राज्य सरकार फरवरी में आने वाले वोट एंड अकाउंट लेखानुदान में कर्मचारियों को 7-8% तक डीए बढ़ाए जाने का वित्तीय प्रावधान करने जा रही है। दरअसल मार्च 2025 तक कर्मचारियों का डीए 14% बढ़ाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद ये 56% हो जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में 6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। अभी राज्य के 7,50,000 कर्मचारियों को 42% डीए मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहे 46% से 4% कम है। हालांकि इस भुगतान के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। इधर 1 जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिर से मूल्य सूचकांक बढ़ती महंगाई के अनुसार 4% बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी जल्द केंद्र घोषणा करेगा ताकि ये भुगतान लोकसभा चुनाव के पहले कर दिया जाए। राज्य सरकार ने फरवरी में लाए जा रहे लेखानुदान का अनुमान 1 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2023 के बीच हुई आय के आधार पर तैयार किया है। इसी के अनुसार 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए खर्च की व्यवस्था की जाएगी। जुलाई 2023 से लंबित डीए के लिए चाहिए 1280 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने की वजह से अक्टूबर में आचार संहिता प्रभावी हो गई थी, इसलिए 1 जुलाई 2023 से लंबित 4% डीए का उन्हें भुगतान नहीं किया जा सका। इस बढ़े हुए डीए का भुगतान करने पर हर महीने 160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा। यदि बढ़े हुए एरियर के डीए का भुगतान किया जाता है तो ये खर्च 1280 करोड़ रुपए होगा। इस राशि को फिलहाल अभी वोट एंड अकाउंट में शामिल नहीं किया गया है, ये भी प्रावधान। मंत्रियों और अफसरों के कार्यालयों और पेट्रोल पर खर्च 225 करोड़ रुपए ज़्यादा। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में ये खर्च 1874 करोड़ रुपए था, जिसमें 10% वृद्धि किया जाना है। इसके अलावा मजदूरी पर खर्च में 5% वृद्धि किया जाना है, जिससे ये खर्च 150 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस तरह साल भर का मजदूरी खर्च 2900 करोड़ रुपए होगा। रिटायर्ड बिजली कर्मियों को भी देना होगा इंक्रीमेंट। हाईकोर्ट 30 जून को रिटायर्ड हुए बिजली कंपनी के 4 कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने निर्देश दिया है कि 1 जुलाई को हुई वेतन वृद्धि का लाभ इन कर्मचारियों को भी दिया जाए और 3 महीने के भीतर पेंशन में सुधार करते हुए पुनः PPO जारी किया जाए। राम नरेश तोमर और हरिबाबू 30 जून 2021 को और अंबिका शरण वर्मा व सिया राम रजक 30 जून 2022 को रिटायर्ड हुए। हर साल की तरह 1 जुलाई को बिजली कंपनी ने कर्मचारियों अधिकारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया, लेकिन 30 जून को रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।